ज़्यादा एक्साइटमेंट है सर, जैसे कि आप देख रहे हैं सभी गेस्ट का आना शुरू हो गया है और मेरे लिए ये एक सपना ही है समझ लीजिए, क्योंकि मेरे पापा जो थे उन्हें बहुत ही शौक था कि मैं एक एक्टर बनूं और ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जब टेलीविज़न इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो इन दिनों लीड कर रही है सेलेब्रिस्तान, वो मेरे बर्थडे ऑर्गेनाइज़ कर रही है और सभी लोग आ रहे हैं और मेरे बर्थडे में मेरे लिए टाइम निकाल के आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच उन लोगों को। ये थीम है रेट्रो थीम। मैंने अब तक देखा था कि हमारे जितने भी ग्रुप है कि नॉर्मल सी पार्टी होती है, मतलब पार्टी बहुत ही ग्रैंड होती है, सब बहुत ही एंजॉय करते हैं, बट मैंने सोचा इस बार कुछ यूनिक हो जाए तो हमने रेट्रो थीम रखा है। रेट्रो थीम में आप देख सकते हैं वहाँ पे आप लेना वाइट्स धीरे धीरे, एक रेट्रो वाला लुक हमने रेडी किया है स्टेज पे, उसके बाद हम सभी ने रेट्रो थीम रखा है, तो फिर हम सब ने आज ऐसे 80s 90s के लुक कैरी किए हैं, अटायर है, तो बस ये है आज का कॉन्सेप्ट नया। बहुत बहुत एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज जेठवा का बर्थडे है एंड रेट्रो थीम है, सो इवन मोर एक्साइटिंग बिकॉज थीम्स पहले कभी रखी नहीं है हमारी किसी भी बर्थडे पार्टी में एंड दिस लॉट ऑफ फन दैट सो मेनी पीपल आर मीटिंग आफ्टर लाइक एजेस एंड आई एम रियली एक्साइटेड विद द बर्थडे बैश एंड वी गोना हैव लॉट ऑफ फन एंड वी गोना पुट द फोर ऑन फायर। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम रेट्रो का 90s 80s का हीरो लग रहा है ये। ओके दैट्स इट, कंट्रोल, ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए इसलिए पता है फ्रेंड्स के सामने उनके सर पे चढ़ जाते हैं। हाय, हाउ आर यू? कम हियर, कम हियर, कम हियर, लुक वेरी प्रीटी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे भैया के बर्थडे के लिए, इसलिए मैंने आज रेट्रो लुक भी लिया। प्यार बढ़ गया, प्यार बढ़ गया। हमारे शो में मुझे इससे शादी करनी थी, शादी करती नहीं थी, अब देखो प्यार कैसा उभर उभर के बढ़ रहा है ना।